हेलो बच्चों वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस माय नेम इज आशीष मोर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ uh, टू आर्गनीज रिप्रोड्यूस चैप्टर के 45 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि इन द लिस्ट ऑफ़ ऑर्गनीज गिविन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूज बाई द ए सेक्शुअल मैथड एक ऑर्गेज का लिस्ट दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऑर्गेज है जो क्या करते हैं के थ्रू क्या करते हैं हैं रिप्रोड्यूस होते है। देखिए ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन दिया दिया है है क्या ए बनाना बी दिया है क्या सेकेंड ऑप्शन है, है क्या, क्या डॉग थर्ड दिया है इष्ट और फोर्थ दिया है क्या अमीबा यहां पे अगर आप देखोगे ए सेक्सुअलियर प्रोडक्शन कैसे होता है अमीबा के अंदर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है ईस्ट में भी ए सेक्सोल होता है जिसमें आपको बर्डिंग मिल जाएगा अमीबा में बाइनरी फिजन मिल जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है अच्छा यहाँ पे ए भी हो जाएगा बनाना में भी ए सेक्सोल देखने को मिलता है तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन क्लियर है तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बी ऑप्शन होगा दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट आर कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों को प्रोड्यूस करता है चलिए देखते हैं मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की बात करें तो मेल गैमिट का प्रोडक्शन जो है आपको पता है फ्लावर में एक पार्ट होता है एंथर और एक पार्ट होता है ओवरी एंथर जो है वो मेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है

सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है पॉलीनेसन फर्टिलाइजेशन सीडिंग एम्ब्रियो फिर दिया है सीडलिंग एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन फिर क्या आ जाएगा पॉलीनेशन के बारे में पॉलीनेशन दिया है फर्टिलाइजेशन दिया है एम्ब्रियो दिया है फिर क्या दिया है? वहाँ पर सीडलिंग के बारे में और फिर दिया एम्ब्रियो सीडलिंग पॉलीनेसन और फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे क्या रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट जो होता है वो सेक्सुअल रिपोडक्शन इन फ्लावरिंग के लिए जो है करेक्ट है या करेक्ट करेक्टिक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है तो देखिए सबसे पहले जो होता है किसी भी फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका पॉलिनेशन होता है फिर पॉलीनेशन के बाद वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इमरियो बनता है और फिर इनमें सीडलिंग बनता है जिसके थ्रू नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा, रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाई ए सेक्सुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो ए सेक्सुअल मैथड के जरिए बनते हैं हैव ग्रेटर सिमिलरिटीज़ इमोंग देस उनमें जो होती है वो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है ऐसा क्यों होता है ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व ऑनली वन पेरेंट जी बिल्कुल ए सेक्सुअलिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है ए सेक्सुअल प्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट जी जी बिल्कुल ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो है किसी भी गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ए सेक्सुअल इंप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअलि प्रोडक्शन ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन अच्छा ये ऑप्शन जो दिया है फिर दिया है फोर्थ में क्या दिया ए सेक्सुअल अकर्स आफ्टर तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो फर्स्ट और सेकेंड होना चाहिए और फर्स्ट और सेकेंड में के लिए जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो ए ऑप्शन दिया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा वो ए ऑप्शन होगा क्लियर है तो ये जो दोनों मेथड होते हैं वो जो आ, किसी आ, जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है किसी पेरेंट से तो वो केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें किसी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन जो है वो क्या है ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कैरेक्टर्स ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग आर इन कैरेक्टर जो होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं कहाँ से किसी पेरेंट से किसी ऑफ स्प्रिंग में तो वो कौन होते हैं साइटोप्लाज राइबोसोम गोल्जी बॉडीज जीन्स याद रखिएगा एक होता है जेनेटिक मटेरियल और वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम क्रोमोसोम डीएनए को रखता है और डीएनए बना होता है किससे जीन से तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन जीन क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर आप बात करोगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किसी पेरेंट से किसी ऑफिस फ्री में कब रिप्रोडक्शन के दौरान तो वो क्या शो करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया ओनली सिमिलरिटीज़ विथ पेरेंट केवल वो सिमिलरिटीज़ को रखते हैं ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स केवल वो वेरिएशन को रखते हैं बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विथ पेरेंट सिमिलरिटीज को भी रखते हैं और वेरिएशन को भी रखते हैं नाइदर सिमिलरिटीज नॉर वेरिएशन तो किसी भी कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे किसी पेरेंट से किसी ऑफिस में जब ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे आपको हमेशा सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन दोनों देखने को मिलता है सिमिलरिटीज़ तो होती है लेकिन साथ साथ किसी पेरेंट से उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन सी क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन इन अमीबा स्पाइरोगायरा एंड इश्ट दैट देखिए अमीबा एक एक यूनिसलर प्रोटोजोवंस है स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है और इश्ट एक क्या होता है फंगस होता है तीनों जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं और तीनों में जो है आपको जो रिप्रोडक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा एसेक्सुअल तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली सेकेंड ऑप्शन दिया दे आर ऑल यूनिसलर लेकिन अगर यहाँ पे देखें स्पाइरो यूनिसलर नहीं होता स्पाइरो गायरा कैसा होता है मल्टी सेलर होता है तो बी ऑप्शन तो नहीं सही होगा सी ऑप्शन में देखिए दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल और डी ऑप्शन में दिया दे आर ऑल मल्टी सेलर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए क्योंकि ये सभी जो होते हैं ए सेक्सुअल मैथड के थ्रू क्या है? करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है इस्पाइरोरा में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और इष्ट के अंदर जो है आपको बडिंग देखने को मिलता है ये तीनों से मैथड हैं वो क्या है एसेक्सोली रिप्रोडक्शन के चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है कह रहा है कि इन स्पायरोरा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई इस्पायरोरा के अंदर जो ए सेक्सोली प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है इस्पाइरोरा में इस्परोगरा की बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है और ये फ़िलामेंटस जो होता है ये किसी कंडीशन में छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप करके नया बॉडी बना लेता है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है ब्रेकिंग ऑफ़ फिलामेंट इंटू स्मॉलर बीट्स डिवीजन ऑफ सेल इंटू द टू सेल्स सी ऑप्शन दिया है डिविज़न ऑफ सेल इंटू द मेनी सेल्स और डी ऑप्शन दिया फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम द ओलर सेल्स तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए होगा क्योंकि इसमें जो फिलाेंटस बॉडी होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाते हैं फिर आ, ये जो ब्रेक डाउन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आता है ये सभी फ्रेगमेंट ग्रो करके एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये जो होता है इसको क्या नाम दिया जाता है ए सैक्सुअल रिपोडक्शन तो एट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ए ऑप्शन चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड एक एबिलिटी होता है सेल की डिवाइड होने की और ये कई सारे सेल्स में बनते हैं किस के दौरान जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है और जब आप प्लाज्मोडियम की बात करोगे तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवंस में आते हैं और एक मलेरिया के इनको पैरासाइट कहा जाता है और ये जो मलेरिया पैरासाइट ये करता क्या है ये मलेरिया पैरासाइट मॉस्किटो के बॉडी में होता है और जैसे ही मॉस्किटो जो है किसी पर्सन को बाइट करता है उसके आरबीसी में प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता है और प्लाज्मोडियम जो है उस आरबीसी के एंट्री करने के बाद उस आरबीसी के सेल को डिग्रेडेट करता है और फिर वो डिवाइड करता है उसमें जो डिवीजन होती है वो मल्टीपल फीजन के जरिए होती है तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा मल्टीपल फीजन के जरिए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्टेज एज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज़ जो करेंट सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है वो कौन सा है अच्छा जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करोगे तो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे क्या क्या होता है सबसे पहले जाइगोट बनता है फिर जाइगोट के बाद इम्बरी बनते हैं फिर इम्ब्रियो के बाद जो है आपको सीडलिंग मिलेगा अच्छा जायगोट से पहले गैमिट्स बनते हैं इन्हीं गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनता है तो पहले गैमिट्स फिर जायगोट्स फिर एम्ब्रियो और फिर क्या होगा सीडलिंग ये करेक्ट सिक्वेंस है देखिए पहले ऑप्शन में दिया है गैमिट दिया है फिर जायगोट दिया है फिर एम्ब्रियो दिया है फिर सीडलिंग दिया है ये ऑप्शन सही लग रहा है चलिए बी ऑप्शन देखते हैं जाइगोट गैमिट गलत है क्योंकि जायगोट पहले दे दिया तीसरे ऑप्शन में सीडलिंग इम्रियो जायगोट गैमिट ये भी गलत है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ए सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले गैमिट्स के फॉर्मेशन होते हैं फिर गैमिट्स के बाद जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो फिर सीडलिंग का होता है फॉर्मेशन नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है अगर आप क्वेश्चन नंबर टेन की बात करोगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है किसी भी पेरेंट के अंदर और ऑफ स्प्रिंग में किसी पार्टिकुलर स्पीसीज़ के वो क्या होता है कांस्टेंट होता है ये क्यों होता है तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए पहला ऑप्शन दिया है क्या इस पहले ऑप्शन में दिया है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं हाफिंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन जी बिल्कुल ये सही है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमिट फॉर्मेशन जी बिल्कुल नहीं गैमिट डबल नहीं होते हैं हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमिट फॉर्मेशन जी नहीं जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तब ये डबल हो जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट है तो पेरेंट की बॉडी हमेशा टू एन होती है और जब ये क्रोमोसोम या सॉरी जब ये जाइगोड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है तो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान ही इनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा क्लियर क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तभी जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट दियर टिप आर कॉल्ड एक राइजोपस है जिसका ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अच्छा राइजोपस क्या होते हैं राइजोपस एक फंगस है जिसमें उनकी जो बॉडी होती है वो हाइफी कहलाती है और ये जो हाइफ़ी होती है ये क्या करता है इसका टिप पोर्शन स्वेलिंग करके एक स्पोरेंजिया को बनाता है और इस स्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे जो है आपको स्पोर मिलते हैं और यही स्पोर बाद में चल करके डिस्पर्स होकर के एक नया जो है हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे राइजोपस के पास जो थ्रेड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हाइफी के नाम से जानते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी होगा तो क्वेश्चन नंबर बारह का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो रिफर्स करता है किसको नए प्लांट के फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले समझ दिया है स्टेम रूट एंड फ्लावर स्टेम से रूट से और किससे फ्लावर से स्टेम रूट एंड लीव्स स्टेम फ्लावर एंड फ्रूट्स और स्टेम लीव्स एंड फ्लावर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जब आप किसी प्लांट की बात करोगे तो प्लांट में दो पार्ट होते हैं एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट में रूट आते हैं स्टेम आता है और लीफ आते हैं तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए जिसमें स्टेम रूट और क्या होंगे लीफ होंगे वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा तो यहाँ पे देखिए फ्लावर दे दिया ये नहीं सही है क्योंकि फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है स्टेम रूट लीफ दिया है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये सही है ऑप्शन नंबर भी क्या है सही है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मड ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड आर कौन से फैक्टर होते हैं जो रैपिड स्प्रेड uh, और ब्रेड मतलब जो स्लाइस होता है ब्रेड का उस पर उस पर जो ब्रेड मड होता है वो रैपिडली जो है वो स्प्रेड करने का काम करता है चलिए देखते हैं क्या है सबसे पहले दिया लार्ज नंबर ऑफ स्पोर जी हो सकते हैं क्योंकि जैसे ब्रेड मड को हम राइजोपस के नाम से जानते हैं और ये राइजोपस करता क्या है इसकी एक हाइफी होती है और ये हाइफी जो है अपने टिप पे एक बनाता है जिसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं तो ये सबसे पहला ये जो ऑप्शन दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ इस जी बिल्कुल अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन द ब्रेड जी बिल्कुल अगर ब्रेड के ऊपर आइजोपस को ग्रो करना है तो वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए और न्यूट्रिएंट होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ ट्यूबलर ब्रांच हाई जी बिल्कुल वहाँ पर जो है ट्यूबलर ब्रांच हाई भी हो सकते हैं तो यहाँ पर एक एक मिनट क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मट मतलब कौन से फैक्टर हैं जो रैपिडली जो है ब्रेड मट को क्या करेंगे स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे तो पहले तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर होना चाहिए जी लार्ज नंबर ऑफ स्पोर होंगे तभी वो रैपिडली इधर उधर क्या करेंगे जाएंगे और बहुत सारे हाइफी बनेंगे और इनको ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है बाकी प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफी की अगर हम बात करें ये भी होता है लेकिन यहाँ पे पूछा है रैपिडली स्प्रेड ऑफ़ के लिए तो तेज़ी से ग्रोथ कराने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं एक है क्या लार्ज नंबर ऑफ़ स्पोर और दूसरा क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर क्या कि यहाँ पर रैपिड स्प्रेड की बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ राउंड सेप स्परेंजर जी बिल्कुल ये भी है सही है ये भी सही है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है रैपिड स्प्रेड किस में होगा बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड कैसे होंगे तो वहाँ पे जब तक लार्ज नंबर ऑफ़ स्पोर नहीं होंगे मॉइस्चर नहीं होगा तब तक रैपिड स्प्रेड नहीं होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का वो क्या है ए ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता कह है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है कि लेंथ ऑफ पॉलेंट ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन जो पोलेंट ट्यूब का लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है देखिए पोलन टिप क्या है ये मान लीजिए एक फीमेल पार्ट है इस फीमेल के पार्ट के पास होता है क्या एक स्टिग्मा इसके बाद ये पोर्शन कहलाता है स्टाइल और ये पोर्शन कहलाता है ओवरी। इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स इसके अंदर क्या मिल जाएंगे ओव्यूल्स पोलन ग्रेन इस, इस स्टिग्मा के ऊपर होता है अब यही क्या करेगा जब इनको फर्टिलाइजेशन करना रहता है तब ये बनाते हैं एक पोलें ट्यूब को ये पोलेंट ट्यूब जो है एक तो डिपेंड कर रहा है कि स्टिग्मा कहाँ है और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है ओविल कहाँ है तो पॉलिन ग्रेन का जो अपर पार्ट मतलब जो जहाँ से ये डेवलप करेगा एक तो ये पॉलिन uh, ग्रेन का जो इंटाइन पोर्शन है वहाँ से पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो स्टिग्मा पे रहते हैं और दूसरा पोर्शन इसका जो पोलिन ट्यूब जाना रहता है वो ओविल के अंदर तो सबसे पहले कह रहा है पॉलिन ग्रेन एंड अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा कह रहा है कि जो पोलिन ट्यूब है वो किस किस डिस्टेंस पे डिपेंड है मतलब लेंथ ऑफ पोलिन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन तो ये डिपेंड करता है किसके बीच में ओव्यूल और स्टिग्मा के पॉलिन ग्रेन ऑन द अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड पॉलिन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा अपर सर्फेस ऑफ स्टिकमा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड करेगा तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है एक तो स्टिग्मा के सरफेस पे और एक ओव्यूल कहाँ है उस पर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं सिक्सटीन की क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कह रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फ्लावर के लिए <coughs> तहरा कह रहा है फ्लावर्स आर ऑलवेज बाई फ्लावर्स हमेशा जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं जी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं तो ये हमको सही नहीं लगता है दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जी बिल्कुल फ्लावर जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं फ्लावर में एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है और फ्लावर के अंदर जो पिस्टिल या कार्पेल होते हैं वो फीमेल पार्ट होता है फिर लिख रहा है दे आर प्रोड्यूज इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स जी नहीं सभी तरह के प्लांट्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स जी बिल्कुल जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट और फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ए ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को देखते हैं 17 क्या कहता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है अच्छा यूनिसेक्सुअल होते क्या है यूनिसेक्सुअल मीन्स जिनके पास मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडी पे हो अच्छा मेल और फीमेल अलग अलग होने चाहिए और दूसरी चीज़ तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन में कह रहा है दे पोसेस बोथ स्टेमिन एंड पिस्टल जी नहीं ये एक ही बॉडी में स्टेमिन और पिस्टिल नहीं होगा इनमें से कोई एक होगा दे पोसेस आइदर स्टेमिन और पिस्टिल जी बिल्कुल या तो ये स्टेमिन को रखेंगे या फिर पिस्टिल को रखेंगे दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेसन जी बिल्कुल ये क्रॉस पॉलिनेसन करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट बॉडी होगी मेल अलग पे फीमेल अलग पे तो मेल वाला फीमेल के पास जाएगा क्रॉस पॉलीनेशन के थ्रू अच्छा फोर्थ ऑप्शन में है यूनिसेक्सुअल प्रोसेसिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोसेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो केवल स्टेमिन को जी बिल्कुल यूनिसेक्सुअल है तो उनके पास स्टेमिन हो सकता है लेकिन अगर केवल स्टेमन है तो वो फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते इनके लिए जो है इनको ओवरी की जरूरत होगी जिनके अंदर ओवल होना चाहिए तब जाकर के ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो भी क्या कह रहा है फोर्थ भी करेक्ट है तो इसके लिए अगर ऑप्शन देखोगे सेकेंड थर्ड फोर्थ और सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन क्लियर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है क्या कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए सही है सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमिट की रिक्वायरमेंट होती है दोनों गैमिट फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइोट का फॉर्मेशन करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट जी बिल्कुल इनको दो टाइप के गैमेट की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन कंपलसरी जी बिल्कुल फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे कंपलसरी इवेंट होता है इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइोड जी बिल्कुल ये हमेशा जो है जायगोड का फॉर्मेशन करेंगे ऑफ स्प्रिंग फॉर्म क्लोन नहीं जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा कुछ ना कुछ ये चेंज होगा पेरेंट्स से क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन और क्या है थर्ड ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है सी तो अगर क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर एटीन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है सी ऑप्शन क्लियर चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है इन द गिवेन फिगर द पार्ट ए बी एंड सी आर सिक्वेंशियली एक डायग्राम दिया है उसमें जो है पार्ट ए दिया है पार्ट बी दिया है और क्या दिया है पार्ट सी दिया है तीनों को आपको पहचानना है बहुत ही आसान है देखिएगा ए पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है क्या प्लुम्ब्यूल ये जो होता है ये प्लुम्बुल होते हैं जो सूट का फॉर्मेशन करते हैं बी जो पोर्शन होगा वो होगा कॉटीलिडन और सी जो पोर्शन होगा उसको कहा जाता है रेडिकल रेडिकल जो होते हैं वो रूट का फॉर्मेशन करते हैं तो ए प्लूम्यूल बी कॉटिलीडन और सी क्या होगा रेडिकल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है सी ऑप्शन क्लियर तो 19 का क्या होगा सी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कहता है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है उसके बाद कई सारे वेरिएशन होते हैं वेरिएशन मीन्स होता है बदलाव पहला ऑप्शन क्या दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लेंथी प्रोसेस होता है जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो दो पेरेंट्स से आते हैं और सेम स्पीसीज के होते हैं जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज और डी ऑप्शन कह रहा है क्या जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्राम द मैनी पेरेंट्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है कई सारे पेरेंट्स ज्यादा है तो अगर आप देखोगे अगर कोई भी मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है तो दोनों के स्पीसीज़ जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तो अगर दो मेल और फीमेल के बीच में दो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो अगर यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है बी वाला क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज़ का है तो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जब भी होता है तो दोनों स्पीसीज़ क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तभी उनमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ पर कुछ वेरिएशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज़ इन ऑर्डर टू रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज़ के लिए जी बिल्कुल रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल पार्ट है क्यों है कीप द इंडिविजुअल ऑर्गनीज ए ये क्या करेगा किसी इंडिविजुअल वाले ऑर्गनीज को ज़िंदा रखेगा फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा इसके साथ साथ ये करें मेंटेन ग्रोथ ग्रोथ को मेंटेन करे कंटिन्यू द देश जी बिल्कुल ये जनरेशन को बनाए रखता है अगर किसी स्पसीज को या किसी भी ऑर्गनिज को एग्जिस्ट करना है नेचर में तो उसके जनरेशन को अगर रखना है तो वो क्या करेगा रिप्रोडक्शन करेगा रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो है उसका जनरेशन कंटिन्यू रहता है क्लियर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहे हैं ड्यूरिंग एडलसेंस जब एडलसेंट स्टेज होता है तो सेवरल चेंजेस आकर इन द ह्यूमन बॉडी बहुत सारे चेंजेस जो है ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं मार्क वन चेंजेज एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल मैचूरेशन इन द बॉयज आपको एक चेंजेस पे क्या करना है मार्क करना है जो सेक्सुअल मैचूरेशन के दौरान बॉयज़ में होता है चलिए देखते हैं क्या होता है सबसे पहले दिया है क्या लॉस ऑफ मिल्क टीथ उनमें मिल्क टीथ लॉस हो जाता है जी बिल्कुल गलत है इंक्रीज इन हाइट जी बिल्कुल नहीं क्रैकिंग वॉयस जी बिल्कुल वॉयस जो होता है वो क्रैकिंग हो जाता है मतलब ये जहाँ पे देखोगे हाई पिच वाले हो जाते हैं इनमें हाई पिच देखने को मिलता है वेट गेन ये वेट को गेन करते हैं जी बिल्कुल नहीं तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे अगर सेक्सुअल मेचूरेशन के दौरान बॉयस के अंदर चेंजेस को देखा जाए तो वो क्या है क्रैकिंग ऑफ वॉयस है जिसमें जो वॉयस होता है वो हाई पिच वाला हो जाता है गर्ल्स में जो है लो पिच वाला होता है नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज ह्यूमन फीमेल के अंदर एक इवेंट है जो रिफ़्लेक्ट करता है किसी रिप्रोडक्टिव फ़ेज को कौन सा होगा सबसे पहले दिया है क्या ग्रोथ ऑफ बॉडी बॉडी के ग्रोथ को चेंजेस इन हेयर पैटर्न हेयर पैटर्न के चेंजेस को चेंजेस इन वॉइस वॉइस के चेंजेस को और डी ऑप्शन दिया है मिन्स्टुएसन देखिए जब फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चेंज होते हैं तो वो मिन्स्टुएसन के थ्रू होते हैं जो होता है लगभग वन टू फाइव डेज का एक साइकिल होता है जिसमें जो ओल्ड अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो डिग्रेडेशन के थ्रू इंडोमेट्रियम के वॉल के डिग्रेडेशन के थ्रू बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं इसी को कहा जाता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करोगे ये कह रहा है कि इन ह्यूमन मेल द टेस्ट बिकॉज़ इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मैटिंग मैटिंग में हेल्प करता है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पम जी इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स और डी ऑप्शन दिया है क्या ऑल ऑफ दीज तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर ट्वेंटी फोर की अगर आप बात करोगे इस्क्रोटम जो होता है अगर आप आप किसी ओवरी सॉरी किसी टेस्टिस की बात करोगे तो टेस्टिस के अंदर जो है आपको आ, टेस्टिस के चारों तरफ एक स्क्रोटम मिलेगा और ये जो स्क्रोटम है ये टेस्टिस के अंदर इस्पम के फॉर्मेशन को हेल्प करता है कैसे करता है ये फोर डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा देन द बॉडी टेम्परेचर से तभी जा करके इस्पम का क्या होगा आ, फॉर्मेशन होगा टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्लियर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस प्यबर्टी इनमें से कौन सा आ, कौन सा फंक्शन नहीं है टेस्टिस का किस दौरान प्यूबर्टी के दौरान कुछ चलिए ऑप्शन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स जर्म सेल्स का फॉर्मेशन सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा यहाँ पर नहीं पूछा है ये ध्यान में रखिएगा तो फॉर्मेशन ऑफ जर्नस जी बिल्कुल ये होता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन ये भी होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा जी नहीं टेस्टिस के अकॉर्डिंग ये नहीं है क्योंकि ये फीमेल पार्ट है सिक्रेशन ऑफ ओस्ट्रोजन ये भी फीमेल पार्ट का है तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या थर्ड एंड फोर्थ और थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन सी है क्लियर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है सी क्लियर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है कि द करेक्ट सिक्वेंस बताना है ऑर्गन इन द मेल रिपोर्टक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम तो ध्यान से सुनिए ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम कैसे होता है देखिए सबसे पहले होता है टेस्टिस टेस्टिस से स्पम जब निकलता है तो ये इपिडाइडमिस में जाता है एपिडाइडमिस से जाता है वास डिफरेंस में फिर वास डिफरेंस से जाता है क्या सेमिनल वेसिकल फिर सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड फिर पोस्टेट ग्लैंड के बाद बर्ब्यूरिथल ग्लैंड और फिर बर्ब्यथल ग्लैंड के बाद यूरिथ्रा को जाता है यहाँ पे सबसे पहले टेस्टिस दिया है फिर उसके बाद होना चाहिए वास डिफरेंस और फिर उसके बाद होना चाहिए क्या यूरिथ्रा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखेंगे पहले टेस्टिस फिर वास डिफरेंस और फिर क्या होना चाहिए यूरिथ्रा और ऐसा जो ऑप्शन है वो क्या है आ, अगर ट्वेंटी सिक्स वाले में देखें तो पहले टेस्टिस दिया ए ऑप्शन में टेस्टिस दिया है वास डिफरेंस दिया है और फिर क्या यूरिथ्रा तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए वाला क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच एमोंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है सिफिलिस एच या एड्स हेपेटाइटिस और डी ऑप्शन में क्या है गोनोरिया। तो क्वेश्चन नंबर अगर ट्वेंटी सेवन की बात करोगे तो हेपेटाइटिस एक ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता कर तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन नेक्स्ट सुनिएगा नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर मल्टीप्लीकेशन इन इश्ट अकर्स बाई इश्ट के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है कैसे जो है इश्ट जो है वो क्या करता है रिप्रोडक्शन करता है तो इश्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे बड का फॉर्मेशन होता है तो बडिंग के जरिए होता है और बड जो होते हैं वो चैन के फॉर्म में बनते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बडिंग तो ट्वेंटी एट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बडिंग चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन पे ओवम इज फर्टिलाइज इन ओवम जो होता है कहाँ पे फर्टिलाइज होता है तो ओवम जो है ये फीमेल पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है इस ओवम का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ये है फेलोपियन ट्यूब और इसी फेलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि विच वन ऑफ दिज डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई रूट कौन सा है जो रूट के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं होगा देखिए रूट uh, के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं होगा ये पूछा हुआ है सबसे पहले स्वीट पोटैटो दिया है ये होता है फिर डहेलिया दिया है ये भी होता है एस्परेगस दिया ये भी होता है डी तो में दिया है जिंजर जिंजर जो है वो स्टेम के थ्रू होता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो है वो क्या होगा डी ऑप्शन ठीक है जिंजर जो होते हैं वो एक स्टेम पार्ट होता है पोटैटो जो होता है एक स्टेम पार्ट होता है गार्लिक स्टेम पार्ट है इसके अलावा बल्ब की अगर आप बात करोगे किसके बल्ब की बात करोगे ओनियन की तो वो भी एक रूट पार्ट है फिर जिंजर अभी मैंने बताया फिर गार्लिक भी होता है क्या है एक रूट पार्ट होता है ये सारे रूट पार्ट होते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या कहता है कह रहा है इन हॉर्टिकल्चर द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज हॉर्टिकल्चर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस क्या है प्लांट की ग्रोइंग के लिए को, आ, पहला ऑप्शन दिया है कटिंग ऑफ स्टेम दूसरा ऑप्शन दिया है क्या कटिंग ऑफ रूट तीसरा ऑप्शन दिया है क्या ग्राफ्टिंग और चौथा दिया है क्या कल्चर सबसे कॉमन टाइप का प्रैक्टिस कौन सा किया जाता है तो यहाँ पे एक आता है ग्राफ्टिंग के जरिए ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो तरह के प्लांट होते हैं एक प्लांट जिसको हम सीओन नाम देते हैं और एक होता है स्टॉक सीओन का जो रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता तो उसको हम क्या करते हैं किसी प्लांट को हम कट करते हैं और फिर उसको जो है उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है इसके पास बड पोर्शन होता है तो बाद में ये ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेता है तो ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसके ज़रिए जिसका यूज़ हार्टिकल्चर में किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू कार्पेल इज कौन सा पार्ट है जो कार्पल से बिलोंग नहीं करता पहला ऑप्शन है स्टिग्मा दूसरा ऑप्शन है स्टाइल तीसरा ऑप्शन है ओवरी और डी में दिया है क्या फिलामेंट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और फिलामेंट तो कार्पेल का कौन सा पार्ट नहीं है जी फिलामेंट जो होता है वो कार्पेल का पार्ट नहीं होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक सैक लाइक पाउच इन इन विच टेस्टी स्लाइड आउट साइड द एबडामल कैविटी तो उस सैकला स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं स्क्रोटम नाम देते हैं अभी आप ऊपर देखे भी हैं विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम कौन सा जो है फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम नहीं है ओवरी है यूट्रस है वजाइना है कौन सा नहीं है प्रोस्टेट ये मेल रिपोर्टिव पार्ट है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पे एंड ओव रिलीज फ्राम द ओवरी इंटर इन टू ओएम जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है तो वो कहाँ जाता है तो ओ जब अब ओवरी से रिलीज होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा सी ऑप्शन नेक्स्ट हम बात करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जी बैरियर मेथड का यूज़ कर सकते हैं किसी कॉन्डोम या किसी डायफ्राम या किसी सर्वाइकल कैप्स का यूज किया जा सकता है आईओडी इंट्रा यूट्राइना डिवाइस इस कॉपर्टी का यूज किया जा सकता है हार्मोनल मेथड के जरिए भी तो इनका जो थर्टी सिक्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा आल ऑफ दीज होगा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आल ऑफ दिज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कह रहा है कि विच चेंज इज़ कॉमन इन बोथ बॉय एंड गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी कौन सा चेंज है जो कॉमन है बॉय के अंदर भी और गर्ल के अंदर भी किस दौरान प्यूबर्टी के दौरान तो प्यूबर्टी के दौरान कई सारे चेंजेस बॉय और गर्ल में देखने को मिलता है सबसे पहले दिया है अपेयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मोस्टैक अपीयड जो होता है वो बियर्ड और मोस्टेक ये दोनों गर्ल और बॉयज दोनों की बात कर रहा है तो अगर ए ऑप्शन को देखा जाएगा तो वो तो गलत है फीमेल में तो बियर्ड और मोस्टेक होता नहीं है नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका इलार्जमेंट ऑफ एमरी ये भी दोनों में नहीं होता केवल फीमेल में होता है हॉर्स सेंसेस ऑफ बॉयस थिक हेयर ग्रो इन आर्मपिट ये करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन जो आर्मपिट होते हैं वहाँ पे थिक हेयर ग्रो कर जाते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कह रहा है यूट्रस हैज हाईली वस्कुलर इनर लाइनिंग यूट्रस के पास एक हाईली वस्कुलर इनर लाइनिंग होता है इसको क्या कहा जाता है इंडोमैट्रियम के नाम से जाना जाता है तो थर्टी एट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए विच वन ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाई बलबिल इनमें से कौन सा जो है वो बल्बिल के फॉर्मेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होगा पहला ऑप्शन दिया है अगेव जिंजर ओनियन और पोटैटो पहला है अगेव दूसरा जिंजर तीसरा क्या है ओनियन और डी ऑप्शन में क्या दिया है पोटैटो तो कौन सा बलबिल का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे देखिए अगर बलबिल की अगर आप बात करोगे तो आ, अगेव एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बल्बिल का फॉर्मेशन करता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिंजर में स्टेम बनता है पोटैटो में भी स्टेम बनता है ओनियन में भी स्टेम बनता है तो बल्ब का जो फॉर्मेशन करेगा वो कौन होगा अगेव नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाई प्लाज्मोडियम एक क्या है एक पैरासाइट है मलेरिया का और ये आर के अंदर मल्टीपल फीजन करता है तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा मल्टीपल फीजन वाला नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन। रिजनरेशन री आपको कहाँ देखने को मिलता है तो रिजनरेशन हाइड्रा में भी देखने को मिलता है प्लेन एरिया में भी देखने को मिलता है और इसके साथ साथ आपको स्टार फीस में भी देखने को मिलता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी ऑप्शन नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्या कह रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन आई method? मैथड आई ओ डी मतलब इंट्राटराइनल डिवाइस इंट्राटराइनल डिवाइस में uh, कौन सा है अच्छा इंट्राटराल डिवाइस क्या है कि इस मैथड में हम क्या करते हैं हम एक कॉन्टीसेप्टिव का यूज़ करते हैं और इसमें इस कॉन्टीसेप्टिव इस को जो है यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो इसमें एक नाम आता है किसका कॉपर टी का कॉपर टी जो होता है ये कॉपर से बना होता है और इसको जो है यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है और ये करता क्या है ये आ, जब स्पम का एजुकलेशन होता है वजाइना में तो उस स्पम की मोटिलिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कॉपर टी क्लियर तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बी ऑप्शन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द मेल ऑर्गन इन फ्लावर इज मेल ऑर्गन फ्लावर में किसको कहा जाता है तो मेल ऑर्गन जो होता है फ्लावर में वो स्टेमेन होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया डिजीज इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया डिजीज है कौन सा है एड्स ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया जनाइटल वर्ड्स तो ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है सॉरी uh, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पूछ रहा है कौन सा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एड्स भी आता है अच्छा गुनुरैया भी आता है और साथ साथ अगर हम ट्यूबरकलोसिस की बात करेंगे तो ट्यूबलोसिस जिसको हम टी बी के नाम से जानते हैं जिसको टी बी कहा जाता है आ, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में एक डिजीज़ है कौन सा गोनोरिया गोनोरिया जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सबसे कॉमन टाइप का है एड्स जो होता है वो एच ये ब्लड के थ्रू फैलता है ब्लड के कांटेक्ट के थ्रू फैलता है तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है सी ऑप्शन नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है द सर्जरी कंडक्टेड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड सर्जरी कंडक्टेड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी को सर्जरी uh, जो होता है मतलब एक सर्जिकल मेथड है जिसके जरिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो कौन सा है तो यहाँ पे एक नाम आता है एबोसन का एबोसन एक मेथड है जिसके जरिए जो सर्जिकल सर्जरी uh, के थ्रू जो है प्रेगनेंसी को ही क्या कर दिया जाता है टर्मिनेट कर दिया जाता है तो फोर्टी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए ऑप्शन क्लियर ट्यूबेक्टोमी में जो है यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं वा फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देते हैं जोड़ दिया जाता है और वैसेक्टॉमी में जो है वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है तो फोर्टी फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ए ऑप्शन तो ये थे एक टोटल फोर्टी फाइव हाउ डू ऑर्गे रिप्रोड्यूज चैप्टर से और ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ये मददगार भी होगा तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और कई सारे एम के साथ थैंक यू